नमस्कार, मैं रुक्मिणी सूरजपुर विशाल नारद शर्मा के साथ क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम समय समय पर किसी न किसी हस्ती व अन्य चेहरे को आपके सामने पेश करते हैं। तो आइए, आज आपको ऐसी हस्ती जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर मनोज सक्सेना जी के पास ले चलते हैं। इस समय 14 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। इस समय हमारे देश अलीगढ़ की स्थिति ज़्यादा दयनीय है। जगह जगह गड्ढे भरे हुए, थोड़ी सी बारिश में पानी भर जाता है। और मनोज सक्सेना जी से इस बात में जानकारी करते हैं, उनके विचार क्या हैं। मैं रुक्मिणी सूरजपुर विशाल नारायण शर्मा के साथ अलीगढ़। मनोज सक्सेना सर, मैं एक बात जानना चाहूँगा कि लोगों में बड़ा उत्साह है कि हमारे बीच 14 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अलीगढ़ आगमन हो रहा है और उनको बड़ी उम्मीदें हैं कि आने वाले वक्त में इस अलीगढ़ को एक विश्वविद्यालय मिलेगा। साथ ही साथ डिफेंस कॉरिडोर से उन लोगों का सूचना ये है कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा। आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जनपद के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। और वो क्या करने आ रहे हैं, ये अभी तो सिर्फ पेपर के माध्यम से ही हमको जानकारी हो रही है, समाचार पत्रों के माध्यम से, कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने आ रहे हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि आज से 4-5 साल पहले मैंने ही ये आवाज उठाई थी कि जब अलीगढ़ मंडल बन गया है तो इसका विश्वविद्यालय भी अलीगढ़ के अंदर होना चाहिए। विभिन्न छात्र नेताओं को लेकर मैंने आंदोलन भी किया था, लेकिन सिर्फ राजनीतिक रूप से एक घोषणा करके पत्थर लगा देना, ये कई जगह देखा जा रहा है। अलीगढ़ की जो दयनीय स्थिति है, स्मार्ट सिटी के बारे में सभी लोग जानते हैं, थोड़ी सी बारिश में जलभराव हो जाता है। आज देश के विभिन्न बीआईपी मुख्यमंत्री जी की वजह से और आपके प्रधानमंत्री जी की वजह से आएंगे। क्या आप अलीगढ़ की रोडों को देख के कह सकते हैं, सड़कों को देख के कह सकते हैं कि यहाँ का देश का प्रधानमंत्री यहाँ आ रहा है, क्या स्थिति है? ये उसी जगह पिच वर्क शुरू किया जा रहा है जहां माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है, यहाँ बीआईपीओ का आगमन हो रहा है या मुख्यमंत्री का आगमन है। मैं देश के प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं, हकीकत में जनता जितनी दुखी है महंगाई के मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर, महिला सुरक्षा के मुद्दों को लेकर, अभी अकराबाद में दलित महिला के साथ जिस तरह लड़की के साथ रेप हुआ, आज बीजेपी का कोई नेता वहां जाने को तैयार नहीं है। जिस तरीके की घटनाएं हो रही है आज मैं पूछने को तैयार नहीं है। तो ये सारा एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी पे कि सिर्फ एक आधारशिला रखने के लिए 40-50 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। अगर ये सही मायने में अगर 50 करोड़ रुपया अलीगढ़ के विकास पे लगता, अलीगढ़ की सड़कों पे लगता, अलीगढ़ को रोजगार दिलाने पे लगता, तो सही मायने में हम समझते कि देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अलीगढ़ की जनता को चाहते हैं। लेकिन मात्र जो काम वीडियोग्राफी से किया जा सकता था, इस कोरोना काल में जहां लोगों को आप सुविधा नहीं दे रहे,